वर्रा में स्थित कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए विश्व प्रसिद्ध आनंद वन को अनोखी भेंट मिली। आनंद निकेतन के पूर्व छात्र तथा कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी के व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने आनंद वन में कार्यरत कर्मचारी तथा रोगियों के लिए ऐसा क्या किया जिसके कारण एकलव्य की याद आने लगी, देखते इस खबर में। श्रद्धेय बाबा आमटे ने वर्रा में कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए आनंद वन की स्थापना की, जिसकी पहचान आज विश्व स्तर पर है। साथ ही परिसर के किसानों को कृषि शिक्षा और तंत्र ज्ञान विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से लाभ मिले, इसके लिए 1965 में आनंद निकेतन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की और आज इस विद्यालय से शिक्षा लिए अनेक विद्यार्थी बड़े पदों पर कार्यरत हैं। और जिसमें से एक ऐसा नाम जो विश्वविख्यात है वह है डॉक्टर कृष्णा इल्ला, इनका नाम हैदराबाद के भारत बायोटेक लिमिटेड के वे व्यवस्थापकीय संचालक हैं और इसी कंपनी ने भारत की पहली कोवैक्सीन कोरोना के ऊपर टीका तैयार किया। डॉक्टर कृष्णा इल्ला यह मूलतः आंध्र प्रदेश के निवासी हैं और वह वर्रा के कृषि महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं। गौरतलब है अन्य जगहों की तरह कोरोना का एक बहुत बड़ा असर आनंदवन परिसर में भी हुआ और जिसकी वजह से आनंदवन का सभी व्यवहार ठप हुआ। साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं की कोरोना की वजह से दुखद भी मौत हुई और यह बात संस्था के विश्वस्त कौस्तुभ आमटे तथा पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शिलगांवकर ने डॉक्टर कृष्णा इल्ला के ध्यान में लाई तो उन्होंने तुरंत अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए 4000 कोरोना के टीके मुफ्त देने का निर्णय लिया और आनंदवन में अब इस टीके की पहली खेप पहुँच चुकी है और आज से टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसका लाभ लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। और वहीं आनंदवन के विश्वस्त डॉक्टर विजय पोल ने कहा कि श्रद्धेय बाबा हमेशा कहते थे आनंदवन यह एकलव्य तैयार करने वाला विद्यापीठ है और एकलव्य के समान डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने कोरोना टीका की गुरु दक्षिणा देकर आनंदवन को कोरोना काल में मौलिक सहयोग किया है। एग्रीकल्चर कॉलेज स्टूडेंट होते फार ब्राइट स्टूडेंट होते प्रो आउट मेरिट वाले गोल्ड मेडलिस्ट होते आणि इथून पास झाले होते BSc AG इथून केलं आणि त्याच्यानंतर जेव्हा त्यांनी वॅक्सिन काढला तर आमच्या प्रिन्सिपलने बघितलं तर त्यांच्या ॲडमिशन वगैरे सर्व होतं तर म्हणाले की बाबा हे तर आपलीच स्टुडंट आहे, मग त्यांना कॉन्टॅक्ट केलं त्यांनी तर ते खूप खुश झाले। ते म्हणे की मी नक्की देऊ इच्छेन कारण की आनंदवन आहे आपल्या ॲग्रिकल्चर कॉलेजचे सगळे स्टाफ आहेत त्यांच्याकडनं 4000 डोजेस ते द्यायला तयार आहे म्हणून गुरुदक्षिणा याच्याकडचा केला की इथल्या स्टुडंट त्यांनी आपल्या गुरुला जसं एकलव्याने दक्षिणा दिली होती तसं त्यांनी ही दक्षिणा दिली वॅक्सिन देऊ म्हणून त्याचं नाव गुरुदक्षिणा दिली। या वॅक्सिनची आनंदवनला खूप गरज आहे कारण की तुम्हाला माहीत आहे आनंदवनात अंध अपंग कुष्ठरुग्ण सगळे असतात, त्यांना दुसरीकडे न्यायला खूप त्रास होतो, काही काही बेड रिडन नाही, काही काही लोकांना हात नाही, काही काही लोकांना डोळा नाही, गाडीत नेणं परत उतरवणं परत तिकडे हे करणं खूप त्रास होतो। तर इथल्या इथे जर त्यांचं हे झालं वॅक्सिनेशन तर त्यांनाही होमली वाटते आणि सर्व व्यवस्थित होते।